हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू जी के एम नर्सिंग करियर पॉइंट। स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं एक न्यू स्टाफ नर्स वैकेंसीज के बारे में। ये जो वैकेंसीज निकाली गई है किसके द्वारा निकाली गई है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पटना के द्वारा निकाली गई है। स्टूडेंट्स, इसमें अपन आज बात करने वाले हैं, इसमें टोटल पोस्ट नर्सिंग की कितनी क्या रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आपको जॉब की लोकेशन कहाँ पर रहने वाली है, इसके अलावा एज लिमिट क्या रहने वाली है, सारी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूले और वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर भी जरूर करें। स्टूडेंट्स, बात करते हैं अपन इस वैकेंसीज के बारे में। ये जो वैकेंसीज मैंने आपको बताई है कहाँ के द्वारा निकाली गई है? इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के द्वारा निकाली गई है। इसमें जो पोस्ट रहने वाली अपन बात करने वाले हैं, नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट रहने वाली है। इसमें पोस्ट नेम, उसमें टोटल पोस्ट कितनी रहने वाली है? 27 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे सारी रिजर्वेशन पॉइंट, इसमें जो भी मतलब कैटेगरी वाइज है, यहाँ पे सारे मतलब कैटेगरी वाइज यहाँ पे बताया गया किसकी कितनी वैकेंसी रहने वाली है। इस वैकेंसी में आगे अपन थोड़ी बात कर लेते हैं कैसी क्या वैकेंसीज है इसके बारे में, ठीक है। इसके अलावा देखिए वैकेंसीज की अपन बात करें, इसमें कैसी क्या ये रहने वाली है आपका। इसमें रेगुलर जैसे कि यहाँ पे दिया गया है नर्सिंग ऑफिसर की जो पोस्ट रहने वाली है इसमें अपन बात करने वाले हैं। इसमें कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं? इसमें GNM स्टूडेंट्स, यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 दिया गया है आपके सामने, BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग फ्रॉम अन इंडियन नर्सिंग काउंसिल स्टेट नर्सिंग काउंसिल रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। मतलब जिन स्टूडेंट ने BSc नर्सिंग कर रखा है किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, वो स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। और जिन स्टूडेंट ने पोस्ट BSc नर्सिंग कर रखा है किसी भी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से, वो भी स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और है, रजिस्टर्ड यहाँ पे दी गई है, रजिस्टर्ड अस नर्स एंड मिडवाइफी विद स्टेट एंड नर्सिंग स्टेट नर्सिंग काउंसिल। मतलब यहाँ पे जो भी स्टेट के कैंडिडेट है जिन्होंने कि स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अपना नर्सिंग कर रखा है, वो स्टूडेंट भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे दिया गया है GNM के बारे में, जिस स्टूडेंट ने GNM नर्सिंग कर रखा है वो स्टूडेंट भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट का स्टूडेंट हो, ठीक है। इसमें अपन थोड़ी और बात कर लेते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ दी गई है पॉइंट नंबर C कि जो भी स्टूडेंट है GNM वाले स्टूडेंट के लिए, इसमें एक चीज़ रहने वाली है, जिस स्टूडेंट ने GNM कर रखा है यहाँ पे दिया गया है 2 ईयर एक्सपीरियंस इन ए 50 बेडेड हॉस्पिटल, मतलब मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। इस पर यहाँ पे दिया हुआ है C नंबर पॉइंट में। इसके अलावा अपन बात करें, एज लिमिट रहने वाली है इसमें 18 से 30 साल आपकी एज लिमिट रहने वाली है, ठीक है। इसमें स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जैसे अपन बात कर लेते हैं सैलरी वगैरह की, सैलरी वगैरह कितनी रहने वाली है इसमें, देखिए बेसिक सैलरी रहने वाली है 35,400 रुपये, ठीक है, 35,400। इसमें जो टोटल पोस्ट मैंने आपको बता दी कितनी क्या पोस्ट रहने वाली है, इसमें आगे अपन बात कर लेते हैं इस पोस्ट के बारे में। यहाँ पे फार्मासिस्ट वगैरह जो भी, जिनमें जो भी वैकेंसीज है, टेक्नीशियन वगैरह, इनकी सारी वैकेंसी इसमें दे रखी है। इसमें अपन बात कर लेते हैं थोड़ा वैकेंसीज के बारे में, कैसी क्या वैकेंसीज है इसमें, कैसे क्या फॉर्म फिलअप करना है और कौन कौन से स्टूडेंट इसे फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। तो इसमें अपन ये बात करने वाले हैं। इसमें नीचे यहाँ पे देखिए, आप नीचे जैसे आएंगे इस फॉर्म को, आप धीरे धीरे आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। स्क्रॉल करने के बाद में आपको यहाँ पे वैकेंसीज मिलने वाली है। देखिए यहाँ पे जनरल इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, इसमें कौन कौन से स्टूडेंट इसे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि इसमें अपन यदि बात करें, इसकी जो फॉर्म जब स्टार्ट होंगे, इसके ओपनिंग जो फॉर्म की स्टार्ट डेट है ये कब से होंगे, 10/10/2020 से स्टार्ट होने वाले हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट रहने वाली है 31/10/2020 की लास्ट डेट रहने वाली है। इसमें यहाँ पे दिया गया है कौन कौन से स्टूडेंट, इसमें फीस दी गई है 1,000 रुपीज़ आपके फीस लगने वाली है, और जो ST SC जो कैंडिडेट है उनको 250 रुपये फीस रखने वाली है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें, इसमें ये जो फॉर्म है केवल आपके ऑनलाइन फॉर्म में फिलअप होंगे, न कि ऑफलाइन, ठीक है। आप इसके अलावा जो भी आपको डॉक्यूमेंट वगैरह है सारी इसमें दिए हुए हैं, आप इसको जब जैसे आप इसको फॉर्म आपको यदि नोटिफिकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कोचिंग के नंबर नीचे लिंक में दिए रहेंगे, उस लिंक में से आप नंबर भी निकाल सकते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट के, और वहाँ से भी आपको नोटिफिकेशन मिल सकता है। अब गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी नर्सिंग हर कोई वैकेंसीज को आप जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले और शेयर जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूले। ये उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।